अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं उंजा खान हूँ इंडस यूनिवर्सिटी से। मैं सबके इंटरव्यूज ले रही हूँ, तो मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। आपका नाम? दानिश। आप इंडस में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, इंडस पे बीबी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। ओके, बीबी फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब ये बिजनेस कर रहे इसकी कोई वजह नहीं है असल में, बस आप देख नहीं जैसा दौर है, जैसा माहौल है कि जॉब्स नहीं है, और अगर जॉब्स हैं तो फिर इंसान की वैल्यू नहीं रही। अब के एमए किए हुए लोग भी घूम रहे हैं, एमए किया हुआ है, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, पर जॉब्स नहीं है उनको प्रोवाइड करी हमारी गवर्नमेंट, और तो हमने ये फैसला किया कि हम ये करेंगे। सो आप इससे अपनी बीबीए की फीस और पढ़ाई मैनेज कर लेते हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र इसमें कर लेते हैं। ओके, सो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आई मीन फैमिली कुछ नहीं कहती, आप बीबीए पढ़ रहे हैं और आपकी अपनी पर्सनालिटी पे कोई असर ना हो रहा हो, इस टाइप का कभी जहन में कुछ नहीं आता? मेरे तो जहन में ऐसा कुछ भी नहीं है, और माशाल्लाह मेरे घर वालों की बहुत सपोर्ट है मुझे के, और उनकी एडवाइस के जरिए मैं, उन्होंने मुझे कहा है कि बीबीए करो। सो बीबीए करने को उन्होंने कहा है, बट ये फील्ड क्यों चूज किया? आप इसके अलावा कोई और भी कुछ चूज कर सकते थे? ये असल में कि जो मेरे पापा हैं वो पहले थे पीआईए में थे, तो फिर मतलब वहाँ पे उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मतलब उन्होंने जॉब नहीं की क्योंकि हालात ऐसे थे कि माशाल्लाह हमारे घर पे सब पढ़ते हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर है वो कराची यूनिवर्सिटी एमए कर रही हैं, और छोटी सिस्टर्स भी हैं वो भी कराची यूनिवर्सिटी में, और एक भाई है छोटा वो स्कूल जाता है, और एक छोटी बहन है वो स्कूल जाती है, यानी कि हम पाँच बहन भाई हैं, पाँचों पढ़ते हैं। और इस काम से मतलब जब मेरे पापा ने जब जॉब छोड़ी थी पीआईए से, तो उसके बाद मतलब कोई ऐसी जॉब नहीं मिली कि हमें वो पूरे मतलब जितने भी हमारे फैमिली से हैं सबको कवर कर लें, तो इस काम से अल्लाह का शुक्र है ये कि हम सब कवर हो जाते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ और बाकी सब पढ़ रहे हैं। तो आपके घर में सिर्फ आप जॉब करते हैं या आपके अलावा भी? मैं हूँ और मेरे पापा जो हैं बस। वो क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं। Okay. यही पे होते हैं, मतलब ये टाइमिंग होती है कि मैं सुबह इंडस में जाता हूँ तो मेरी 2 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से मैं 7 बजे घर चले जाता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप इस बारे में और स्टूडेंट्स को और बाकी सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज दूंगा कि मेहनत में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है, अगर आप शर्माओगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि लोग इंसानों से शर्माता है, अल्लाह से नहीं घबराता, क्योंकि अगर कोई भंगी है या कोई ऐसा शख्स है कि झाड़ू लगा रहा है तो उसे शर्म सी आएगी कि वो बंदा क्या सोचेगा मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, पर उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। यानी कि आज के जो दौर है लोग अल्लाह से ज्यादा जो है इंसानों से मतलब वो करते हैं कि ये क्या सोचेगा, तो ऐसी कभी इंसान को सोच नहीं रखनी चाहती, नहीं रखनी चाहिए, जो ऐसी सोच रखता है वो मेरे हिसाब से तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।